दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो ये वीडियो है करंट अफेयर्स का, जो रिवीजन सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत हम अपने ग्रुप में काफ़ी मेगा क्विज करा रहे हैं। तो हमने करंट अफेयर्स का एक नया सेशन शुरू किया था। इस बुक से मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ, बिहार में स्पीडी बुक और एडुटेरिया से करंट अफेयर्स करने पे लगभग प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो इस ग्रुप में, अपने ग्रुप में जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें हम क्विज करा रहे हैं, और इस क्विज में अब बारी है इस एसपीडी के नए सेशन की। तो हमने लगभग 12 पेज कंप्लीट करवा दिए थे, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका एक मेगा क्विज होने वाला है। लगभग 150 प्रश्न रहेंगे, ये क्विज सोमवार को होने वाला है। मैं ये बुक दिखाना चाह रहा था कि ये बुक जिन्होंने अभी तक लिया नहीं है, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएसएससी के एग्ज़ाम में लगभग लगभग प्रश्न इसी से रहते हैं, क्योंकि ये बुक ऑनलाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है और इससे काफ़ी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, लगभग सॉल्व हो जाते हैं, जो बिहार के अलावा जनरल सामान्य प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्न इसका हम अपने ग्रुप में डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 70-80 प्रश्नों का। उसके अलावा जो पेज वाइज के अलावा होता है मेगा क्विज, उस मेगा क्विज की बारी है शुरू के 12 पन्नों से। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है। करंट अफेयर्स में न्यायिक प्रमुख, संवैधानिक पदाधिकारी, संसदीय प्रमुख, निर्वाचन आयोग, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, और इन सबों में जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका टेस्ट होगा। दूसरा, जैसे बहुत सारे बोर्ड हैं जो लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, रेलवे सीओ, इनके सीओ में जो इम्पोर्टेंट है उन वो रहेंगी, महारत्न कंपनियों के बारे में रहेंगे, शिक्षण अकादमिक संस्थानों के प्रमुख इसमें से जो इम्पोर्टेंट है गेस प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रमुख, खेल संगठनों के प्रमुख, बीमा संसाधन संस्थानों के प्रमुख, आर्थिक इकाइयां जैसे हो गया फिक्की, एसोचेम, इसमें से अगर कुछ स्पेशल तरीके से बनते हैं या कुछ स्पेशल निर्धारण से बनते हैं तो उनसे रिलेटेड, केंद्रीय बैंकों के एमडी सीईओ के बारे में, और देखिए क्या क्या जो हम लोग कवर करने वाले इसमें, रक्षा उपकरणों के बारे में कि किस देश ने विकसित किया और कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के प्रमुख, ये हमेशा बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में प्रमुखता से पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, विभिन्न देशों में जो राजदूत निर्धारित होते हैं, इनकी संख्या हालांकि काफ़ी होती है, लेकिन कुछ स्पेशल जो मेंशन किया जाता है उससे दो चार उनसे जुड़े हुए प्रश्न, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री को जो महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं, गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोहों के अतिथि, भारतीय नोटों पे छपे चित्र, किस नोट पे कौन सा चित्र छपा हुआ है ये भी महत्वपूर्ण है इसमें से कुछ प्रश्न, एयरलाइंस उनके प्रमुख, तूफान एवं चक्रात चक्रवात है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न, वन स्थिति में उत्पादन, कृषि उत्पादन और प्रमुख खनिज उत्पादन, ये हमेशा ज्योग्राफी के टर्म्स में एक दो प्रश्न आते हैं। इस पर हालांकि अलग से भी वीडियो आएगा, लेकिन इसमें करेंट अफेयर्स में अभियानों जो हाल अभी नए नए नाम चेंज किया गया उससे दो चार प्रश्न, जीआई टैग बिहार के एग्जाम में हमेशा आता है, मैंने पिछले बार एक कराया था क्विक वीडियो में, उसका फिर से रिवीजन होगा। यहाँ पे जीआई टैग योजना और मिशन से संबंधित दो दो प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित मंत्रालय से जो जो बैठकें हुई हैं, कौन बैठक, नेशनल बैठक, इंटरनेशनल बैठक, इसरो के अभियान, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख मिशन, चर्चित व्यक्ति निधन और चर्चित व्यक्ति इंटरनेशनल निधन, और राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। देखिए ये टोटल 12 पेज लगभग हम लोगों ने करा दिया है। अब इसमें से क्या है कि गेस प्रश्न, इन 12 प्रश्नों का जो पेज होता है स्पीडी, अब जब बुक खोलेंगे तो इनमें प्रश्न हजारों की संख्या में बनते हैं, लेकिन सब कुछ याद करना जरूरी नहीं है। जो जो गेस है कि ये वाले प्रश्न आते हैं, इनका ये न्यूज में रहे, चर्चा में रहे, तो उनसे रिलेटेड मेगा क्विज बनेगा जिसमें लगभग 1200-150 प्रश्न रहेंगे। और इस, यदि आपने स्पीडी नहीं लिया है तो स्पीडी लेके यदि आप अभी 12 पेज को ढंग से पढ़ेंगे और उसमें से 400 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो हमने अपने ग्रुप में कराया था, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि इस 12 पेज से बस 5 प्रश्न एग्जाम में, 5 से 7-8 प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों के गेस फॉर्मेट का एक क्विज होने जा रहा है जो मंडे को होगा हमारे ग्रुप में। तो यदि अभी तक जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा के लिए, तो हम लोग शुरू से ही करा ही रहे हैं, बिहार दरोगा, इन तीनों एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान वगैरह में मैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए तो लगभग सारे प्रश्न आए, उतना हम लोगों ने समय नहीं दिया उसके आउटपुट पे या फिर देखने पे, क्योंकि आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इस ग्रुप से जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, सेम वही है हमारा जो ग्रुप है उसमें 49 का एक टोकन दे के आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, और जो डेली करेंट अफेयर्स होता है, दरोगा प्रैक्टिस होता है और उसके बाद सेशन टेस्ट होता है, इसके अलावा हम अब समय समय पर मेगा क्विज भी करा रहे हैं।
तो हम मेगा क्विज भी करा रहे हैं डेली पे। बायोलॉजी का एक मेगा क्विज कराया था, एक शनिवार को निर्धारित था, हालांकि कुछ सिलेबस बचा हुआ है इसलिए वो मंगलवार को कराया जाएगा। इसके बाद बायोलॉजी खत्म, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, ऐसे करा के गेस प्रश्नों के साथ मेगा क्विज हो रहा है। अब इसमें आज हम लोग जो सबसे ज्यादा हम लोग की और हमारी टीम फोकस करती है वो करंट अफेयर्स पे करती है। तो इन 12 पेज में से यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ के 12 पेज टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो 150 गेस क्वेश्चन होंगे इसमें से एग्जाम में 5 प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, आप हमारे क्विज से जुड़ के अपना आप टेस्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल दिया हुआ उसको पूरे ध्यान से पढ़िए। एक हम बस एक टोकन मनी का ये करते हैं 49 रुपये, जिससे कि आप ग्रुप में जुड़ते हैं और आप करेंट का टेस्ट देते हैं, 1 बजे दरोगा का टेस्ट देते हैं, साइंस का और आर्ट्स, इन 4 टेस्ट से सेशनल टेस्ट देते हैं, जिससे कि आपका तैयारी मतलब एकदम स्मूथली होता है। तो इस ग्रुप से आप जुड़ना है जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ सकते हैं क्योंकि सोमवार को मेगा टेस्ट होगा। ऐसे ऐसे देखिए जुड़ने वाले लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जितना लेट कीजिएगा हम लोग एकदम ढंग से चल रहे हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट, फिर उसका रिवीजन, पहले 10 पेज पढ़ाते हैं, 2-2 पेज करके, फिर उसका रिवीजन, और फिर उसका वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, ऐसे करके ताकि रिवीजन हो जाए। तो इसमें है मेगा क्विज 150 प्रश्नों का सोमवार को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द हम अपने नए छोटे छोटे वीडियोज के साथ और जो जो हम ग्रुप में करते रहते हैं उसके इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।